मेरी पेन कहीं खो गई है। मैंने तुम्हारे पेन तो बहुत अच्छे हैं, है ना? हमारे यहाँ जो किंडरगार्टन मंथली प्रोग्राम होता है, मैंने इस पेन को वहाँ से जीता है। तुम तो कमाल के हो नैनी। क्या तुम सच कह रही हो? तुमने इसे प्राइज भी जीता है, वो भी किंडरगार्टन में? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैं वैसे भी एक लकी गर्ल हूँ और इस पेन को लगाकर मैं वैसे भी 3 times ज्यादा लकी हो गई हूँ। 3 times? ये तो कमाल हो गया। तुम इसकी बातों पर कैसे यकीन कर सकते हो? लक जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब तो बेकार की बातें होती है। मसाओ, तुम बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हो। मसाओ अभी छोटा है ना। नैनी, तुम्हें ये गेम खेलना ही नहीं आता। ऐसा नहीं है, हम डॉज बॉल खेल रहे हैं नैनी। सारी गलती मसाओ की है। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है शिनचैन, तुम जानते हो। ओ अच्छा, तो फिर कज़ामा की गलती होगी। मेरी भी गलती नहीं है। ठीक है, जो भी हुआ, लेकिन मैं 3 times लकी गर्ल हूँ, इसलिए मुझे एक और चांस मिलना चाहिए। मैं इन सारी बातों को नहीं मानता, इसलिए तुम्हें कोई चांस नहीं मिलेगा। अरे नैनी, क्या हुआ? वही ना जो तुम्हें 3 times लकी बना देती है। मैं भी सोच रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। अगर मेरे पास हेयरपिन होती तो मैं नहीं हारती। ऐसा नहीं हो सकता नैनी। भी ना, इसे ऐसा क्यों लगता है कि एक हेयरपिन लगाने से कोई 3 times लकी हो जाता है? कुछ भी सोचती है। मतलब मैं लकी गर्ल नहीं हूँ? मेरा मतलब वो नहीं था नैनी, सच में। ऐसा कह रहा था नैनी, पता नहीं कैसी कैसी बातें करती रहती है। वो यही कहीं गिरी होगी। अगर तुमने उसे नहीं ढूंढा तो अच्छा नहीं होगा। ढूंढना शुरू करो। हाँ ठीक है। नैनी देखो, अब बहुत हो गया, बस भी करो। वो क्यों? अगर कोई ऐसी चीज है जिसे तुम चाहती हो कि वो गुम ना हो, तो उसे स्कूल मत लाया करो। ये आप मुझे क्यों बता रहे हो? पहले भी बता सकते थे। हाँ, मुझे लगता है तुम उसे क्लासरूम में बुलाई हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है नैनी। बातें करना बंद करो। हाँ। और जाके जल्दी से मेरी पिन ढूंढो, जल्दी करो। तुम हमेशा मुझे ही क्यों बोलती हो? अब क्या करें? कुछ भी हो, हमें नैनी की पिन ढूंढनी ही पड़ेगी। नैनी एक काम करते हैं ना, इसे बाद में ढूंढ लेंगे, अभी हम चलकर कुछ खेल लेते हैं ना, ठीक है? वो पिन मुझे बहुत प्यारी थी। क्या, वो इतनी खास है? वो पिन मेरी फेवरेट पिन थी, उसको मैंने प्राइस में जीता था, उसकी वजह से मैं लकी गर्ल थी। देखो, तुमने नानी को रुला दिया कज़ामा। मैंने नहीं रुलाया नानी को। आखिर तुम किस तरह के दोस्त हो कज़ामा? मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने सोचा था तुम लोग मेरे दोस्त हो, इसलिए वो पिन जरूर ढूंढोगे। अरे नानी, चुप हो जाओ। नानी प्लीज दुखी मत हो। हाँ नानी, प्लीज दुखी मत हो। हाँ नानी, प्लीज दुखी मत हो। नानी प्लीज दुखी मत हो। नानी प्लीज दुखी मत हो। नानी तुम्हारे सभी दोस्त चाहते हैं तुम दुखी मत हो। और तुम चिंता मत करो, हम सभी मिलकर तुम्हारे पिन को ढूंढ ही लेंगे। चलो दोस्तों। हाँ, और जब तक वो मिल ना जाए उसे ढूंढते रहो। नानी मैंने कह दिया ना, हम जल्दी ही पिन ढूंढ लेंगे। हाँ नानी, हम पिन ढूंढ लेंगे, तुम दुखी मत हो। तो ठीक है, सारी जिम्मेदारी कज़ामा की, वो ही पिन ढूंढेगा। अजीब बातें मत किया करो। चलो दोस्तों, नानी की पिन ढूंढते हैं। चलो दोस्तों, नानी की पिन ढूंढे। चलो, मैं जीत गया। नानी पिन यहाँ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, पिन तो यही गिरी है। हो सकता है पिन कहीं और गिरी हो नानी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है पिन यही कहीं गिरी है। जरा ध्यान से ढूंढो उसे। ऐसा भी तो हो सकता है ना नैनी कि तुम भूल गई हो। मैं कुछ नहीं भूलती हूँ। अच्छा, तुम्हें ये तो पता होगा ना कि वो कहाँ गिरी है। अगर पता होता तो ढूंढ ना लेती। मिसाओ, तुम्हें बिना कोशिश किए हार नहीं माननी चाहिए। हम ऐसा करते हैं कि बाकी की जगह भी ढूंढते हैं नैनी। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना मिसाओ? ऐसी बात नहीं है। तो जल्दी से पिन ढूंढो, जल्दी करो, पिन ढूंढो। चलो सब लोग एक बार फिर से ढूंढते हैं। चलो जल्दी से ढूंढो, जल्दी करो, ढूंढो ढूंढो, कहाँ है, कहाँ हो सकती है? मसाओ कितना डरता है ना। ढूंढो, मिल क्यों नहीं रही?
सुनो सुनो मेरी बात गौर से सुनो, सब लोग मिलकर मेरी पिन को ढूंढो। सुनो नैनी, पक्का वो पिन यहीं गिरी है? हाँ वो यहीं गिरी है। पिन यहीं कहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता मिलेगी। मैं तो ढूंढते ढूंढते बहुत ज्यादा थक गया हूँ कजामा। पर तुमने तो ढूंढा भी नहीं। मुझे डर लग रहा है अगर नैनी की पिन नहीं मिली तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। तुम लोग ढूंढते क्यों नहीं हो, यहाँ क्यों खड़े हो? पिन यहाँ नहीं है। वो यहाँ नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिली तो नैनी बहुत डांटेगी। तुम्हें इस तरह नैनी से डरना नहीं चाहिए मसाओ। वैसे भी वो पिन तुम्हारी वजह से नहीं खोई। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर आज मेरी पिन नहीं मिली तो कोई भी बच्चा अपने घर नहीं जाएगा, समझे? क्या कह रही है? जल्दी जल्दी नैनी की पिन ढूंढो वरना ये हमें घर नहीं जाने देगी और हमें यहाँ सारे दिन स्कूल में ही रहना पड़ेगा। अरे ऐसा नहीं हो सकता, आज तो मेरा फेवरेट प्रोग्राम आने वाला है, जल्दी ढूंढो। नैनी मुझे पानी पीने जाना है, बाथरूम जाना है। जब तक मेरी पिन नहीं मिल जाती कोई कहीं नहीं जाएगा। समझ गए ना? सब लोग मेरे लिए कोशिश कर रहे हैं, सब लोग मेरी हेयर पिन ढूंढ रहे हैं। देखते कितना अच्छा लग रहा है, इससे पता लगता है कि मैं सबके लिए कितनी खास हूँ। ठीक है दोस्तों, कोशिश करते रहो, हार मत मानना। ठीक है। ये क्या कर रही है? नैनी तो सच में प्रिंसेस जैसी लग रही है। सब लोग ढूंढेंगे, सब लोग मेरी पिन ढूंढेंगे। मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, जो मैं सबको बोलूँगी वो यहाँ सबको करना ही पड़ेगा। मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मैं भी बहुत थक गई हूँ। तुम लोग रुक क्यों गए? मेरी पिन अभी तक नहीं मिली, ढूंढो उसे, ढूंढो। इतनी जोर से चिल्ला भी तो गला खराब हो जाएगा। नैनी। हाँ बोलो, पिन मिल गई क्या? हाँ योशिनाका मैम। ये क्या हो रहा है? हाँ बात यह है कि मेरी पिन गुम गई है, सब उसी को ढूंढ रहे हैं। हाँ, क्या ये तुम्हारी है? तुम्हें पता है ये मुझे क्लासरूम में मिली। हाँ। सुबह तुमने इसे पहना हुआ था है ना? ये पिन तो सबको पता लगा कि मैं इसे अंदर भूल आई थी। कहीं होनी चाहिए तो सब मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे। क्या ये तुम्हारी नहीं है नैनी? दरअसल ये पिन। नैनी तो नैनी के लिए ध्यान नहीं देता। पिन मिल गई, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज वो मशहूर होने वाला है। बच्चों मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। क्या आप हमें छोड़कर जा रही हैं मैम? चुप रहो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा रही हूँ, समझ गए ना शिनचैन? ओ अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको किसी और स्कूल में काम मिल गया? देखो शिनचैन, हमेशा इस तरह की बातें करना अच्छी बात नहीं होती। इस बात साल के छोटे बच्चे को कोई नहीं समझता। चुप हो जाओ शिनचैन। वैसे अच्छी खबर इस न्यूज पेपर में है, सब देख रहे हैं ना इसे? अच्छा ठीक है, सब शांत हो जाओ। तो आज के न्यूज़पेपर में जो अच्छी खबर है वो है, हाँ ये मूवी रिलीज होने वाली है। हाँ इससे अच्छी खबर भला और क्या हो सकती है? उसे नहीं, इसे देखो। मैंने इसे कहीं देखा है, क्या ये भी मूवी में आने वाला है? ऐसी बात नहीं है, वो चैन ने कुछ कमाल की चीज ढूंढ निकाली है। क्या है वो? कितनी खुशी की बात है कि बो ने एक ऐसा स्टोन ढूंढ निकाला है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही था। ये हिमावारी ग्रुप के लिए गर्व की बात है प्रिंसिपल सर। ये ऐसा स्टोन है जब गिरता है तो स्टोन जैसी आवाज करता है, कमाल है। वैसे भी मैं बच्चों को यही सिखाती हूँ कि जिसमें उनका इंटरेस्ट हो उन्हें वही करना चाहिए। अगर ये स्टोन की जगह कोई बढ़िया चमकती चीज ढूंढता तो ज्यादा अच्छा होता। बढ़िया और चमकती हुई जैसे कि एक डायमंड। टीचर होते हुए इस तरह की बातें करना अच्छी बात नहीं है मात्सुज़ाका मैम। मैंने ऐसा क्या बोल दिया? अरे अरे बस आप लोग लड़ाई शुरू मत कीजिए, ये कितनी खुशी का मौका है। इससे वो मशहूर हो जाएगा। सचमुच बोले ऐसा किया है? मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा। बोले बहुत ही अच्छा काम किया। वो अच्छा काम तो करेगा ही, आखिर मैंने ही तो उसे ट्रेन किया है। मैं तुमसे हाथ मिला सकती हूँ? ये क्या हो रहा है?
कैसी बातें कर रही है नैनी, समझ नहीं आ रहा। तुम लोग वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो, यहाँ आकर मेरी मदद करो। दो तीन चार सब ठीक है। तुम लाइन में क्यों खड़े हो शिनचान? क्योंकि मैं भी बोसे हाथ मिलाना चाहता हूँ कजामा, बहुत लंबी लाइन है। अच्छा तो ठीक है, चलो हो गया हो गया। अरे नैनी तो बिल्कुल मैनेजर की जैसी लग रही है। हेलो, हाँ बोचन, हाँ हाँ वो यहीं का स्टूडेंट है। अच्छा टीवी प्रोग्राम के लिए? हाँ हाँ हाँ। आप स्कूल में आके उसका इंटरव्यू लेंगे? हाँ? मैं अभी प्रिंसिपल सर से आपको पूछकर बताती हूँ। तुम लोगों को पता है ना वो टीवी पे आने वाला है, वो हमारा दोस्त है और अब वो फेमस हो गया है। अब हमें उसके लिए प्रमोशन करना होगा, इसलिए हमें ये सारी चीजें बनानी होंगी, ठीक है ना? तिश्र के बारे में क्या ख्याल है? तुम चुप रहो। प्रोग्राम वाले दिन। अरे वाह, शुरू हो गया, शुरू हो गया। हाय हाय, आप सभी का स्वागत है। एंकर, क्या आप तैयार है? हाँ, इस वक्त मैं स्कूल के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ और अब मैं आपको स्कूल के अंदर लेकर चलती हूँ, जहाँ मैं आपको मिलवाऊंगी बो से। अरे सारे बच्चों में शिनचैन तो नजर नहीं आ रहा। आई आई। और अब वो हमारे साथ है, हम उन्हीं से पूछते हैं कि उन्होंने ये कारनामा कैसे किया। बताइए वो। पता नहीं शिनचैन चला कहाँ गया। आगा। वो आप कुछ बता शिनचैन। ये तो कहीं भी टाइम से नहीं पहुँचता है। बताइए आपको वो स्टोन कैसे मिला? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स हैं। बेटा मैं वो से बात कर रही हूँ, आप बीच में मत आइए प्लीज। वो क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको स्टोन कैसे मिला, क्या आप स्टोन दिखाएंगे? तो दोस्तों बस अपनी नजरें यहाँ से हटाइएगा मत, वो बस वो स्टोन निकालने ही वाला है। निकालिए वो। घर पे भूल गए। माफ कीजिएगा, वो स्टोन हम दिखा नहीं सकते क्योंकि। ठीक है, अगर स्टोन नहीं दिखा सकते कम से कम यहाँ के स्कूल के लोगों से तो मिलवा सकते हैं। यही वो स्कूल है जहाँ बो जैसा महान बच्चा पढ़ता है, जिसने एक स्टोन की खोज की। अब मैं यहाँ पर किससे बात करूँ? मैम आप क्या मुझसे बात करेंगी? यही है हमारी बस। बेटा मैं इस डरावने से आदमी से बात नहीं कर सकती। कौन है ये? क्या कोई और नहीं है तुम्हारे स्कूल में जिससे मैं बात कर सकूं? मुझे तो बताया गया था कि यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स हैं और एक बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल भी हैं। ये है हमारी योशिनागा मैम। हेलो। मैम का हमेशा से सपना था टीवी पे आने का। चुप रहो। वैसे मैंने तो कुछ खास नहीं किया, पर बच्चों को जिस चीज में इंटरेस्ट होता है बस मैं उन्हें बढ़ावा देती हूँ, और इसीलिए बच्चे मुझे पसंद भी करते हैं। इस स्कूल के बच्चों की मैं फेवरेट टीचर हूँ। आपको क्या हो गया माचिजाका मैम? आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं बताइए ना। चुप रहो। कहीं ऐसा तो नहीं कि योशिनागा मैम की तरह आपका भी सपना था टीवी पे आने का? शिनचैन तुम ये क्या बोले जा रहे हो बेटा, इस तरह से बात नहीं करते हैं। मेरा नाम है माचिजाका और यहाँ के बच्चों की मैं फेवरेट टीचर हूँ, और मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। ये क्या बोल रही हैं? आप तो हमेशा किसी और से खाना बनवाती हैं ना। समझ में नहीं आता कि मुझसे कोई क्यों कुछ नहीं पूछ रहा, मैं ही तो प्रिंसिपल हूँ। आप उदास मत होइए सर, अपने आप को संभालिए। शुक्रिया। कुछ तो शर्म कीजिए, क्या बोले जा रही हैं आप? मैं टीचर से बहुत बातें कर रही हूँ, बच्चों से बात करते हैं यही ठीक रहेगा। बेटा मुझे पता चला है कि तुमने बो के प्रमोशन के लिए काफी तैयारियां की हुई है। ये देखिए, हमने बो के फेस का लंच बॉक्स भी बनाया है। हमारे पास और भी चीजें हैं। वो देखिए, बो के फेस की बहुत सारी चीजें, ये सब हमने बनाई है। और मैं ये टिश्यू बो के लिए लाया हूँ। तुम बीच में मत बोलो। चुप हो जाओ। योशिनागा मैम तो आपने ये सिखाया अपने ग्रुप को, अच्छा है। तुम तो चुप ही रहो, मेरे ग्रुप के बच्चे तुम्हारे ग्रुप के बच्चों से तो अच्छे ही हैं। क्या? वैसे भी ये इंटरव्यू मेरे ग्रुप के बच्चों के लिए है, नहीं स्कूल के सभी लोगों के लिए। मैंने तो सोचा था एक अच्छा प्रोग्राम शूट करूंगी, पर यहाँ पर देखकर तो ऐसा लगता है कि मेरा सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। अब मैं क्या करूँ? स्टोन कहाँ है? डाल।
यही है इसकी सही जगह। मुसाई मौसी का काम पे पहला दिन। शिनचैन बेटा उठ जाओ। तुम्हें कुछ और तो नहीं चाहिए मुसाई? नहीं दीदी। गुड मॉर्निंग। आप इतने जल्दी कैसे उठ गई मुसाई मौसी? काम पर जाना है। मतलब आज आप मेरे साथ घर पर नहीं रहेंगी? वैसे भी मौसी घर में बैठी बैठी बोर हो गई थी, इसलिए बुकशॉप में पार्ट टाइम जॉब ले ली है। और वैसे भी मुझे फोटोग्राफर की कोई जॉब कहाँ मिल रही थी शिनचैन? ये लो तुम्हारा लंच। थैंक यू दीदी। चाहो तो मेरी साइकिल ले जा सकती हो। नहीं, वो रास्ते में मैं फोटो खींचती हुई जाऊंगी। क्या? टाइम पे ऑफिस पहुँच जाइएगा मौसी। ठीक है शिनचैन, मैं बाद में वहाँ आपसे मिलने के लिए आऊँगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ऑल द बेस्ट। मैंने तो सोचा था अगर मुझे ये काम पसंद नहीं आएगा तो मैं इसे छोड़ दूंगी, पर अब लगता है करना ही पड़ेगा। मैंने आज ही यहाँ ज्वाइन किया है और मेरा नाम है मुसाई। मैं इस लाइब्रेरी की मैनेजर हूँ और ये है मेरी असिस्टेंट, इसका नाम है नाकामुरा। मैं इनकी असिस्टेंट हूँ और तुम्हें मुझे असिस्ट करना होगा, ठीक है? ठीक है। क्योंकि तुम आज पहले दिन आई हो तो मैं तुमको बता दूं कि हमारी लाइब्रेरी का एक बहुत ही जरूरी रूल है, यहाँ पर काम करने वाले को हैंड साइंस आने चाहिए। क्या हैंड साइन? हम तुम्हें दिखाते हैं। नाकामुरा बताओ तुमने सुबह से क्या किया? मैं सुबह उठी, मैं तैयार हुई, मैंने बस पकड़ी और मैं सीधी यहाँ आ गई। आसान है ना? ठीक है, चलो मुसाई, अब मैं तुम्हें अपनी लाइब्रेरी दिखाती हूँ। ठीक है, चलते हैं। एक बात का ध्यान रखना, लाइब्रेरी में हम किसी को भी खड़े होकर पढ़ने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन अगर किसी को मना करना हो तो प्यार से करना। हाँ ठीक है मैम, मैं समझ गई। मैम ये यहाँ लाइब्रेरी में खड़े होके बुक पढ़ रहा है, आप समझ गई है ना क्या करना है? समझ गई। देखो ये है मेरा स्पेशल डिवाइस, इससे मैं खड़े होकर पढ़ते हुए लोगों को भगाती हूँ, समझ गई ना तुम? हाँ मैम, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझ गई। हाँ तुम लगती भी बहुत समझदार हो, तो चलो क्यों ना तुमको दिखाऊं कि ये डिवाइस कैसे काम करती है। माफ करना बच्चों, लेकिन सफाई का टाइम है, जरा हटो, मुझे इस शेल्फ की अच्छी तरह सफाई करनी है। पता नहीं कब से सफाई नहीं हुई, कितनी धूल हो गई है यहाँ, और यहाँ पर देखो कितनी धूल है यहाँ पर भी। कितनी बार इन लोगों को बोला है सफाई करके रखे, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। तो देखा ना तुमने, मैम कितनी अच्छे से काम करती है और कितनी समझदार है। ये डिवाइस सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज करनी है। तैयार होना, नजर रखना इस पर। ठीक है।
तुम यही खड़ी रहना, मैं वहाँ जाती हूँ और मुझे ध्यान से देखना कि मैं क्या करती हूँ। बाद में तुम्हें भी इसी तरह से काम करना है, समझ गई ना तुम? जाती हूँ मैं। है ना नाकामुरा एक कमाल की असिस्टेंट, बहुत बढ़िया। पता नहीं किस तरह की लाइब्रेरी है। कुछ कहा? इन बॉक्सेस को उठा कर वहाँ पर रख दो। ठीक है, संभल कर उठाना, इनमें बहुत कीमती बुक्स है। इससे ये सब उठा लिया? मुझे नहीं लगता मैं यहाँ बहुत दिनों तक काम कर पाऊंगी, कोई और नौकरी ढूंढनी होगी। मिस आइमा से यही काम करती है ना? ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? मिस आइमा सी, ये तो मेरी फेवरेट बुक है। चलो थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ, पेज नंबर 1। अरे नहीं, यहाँ कितनी धूल हो गई है, जल्दी साफ कर देती हूँ वरना लोगों को परेशानी हो जाएगी। अब ये परेशान नहीं करेगी। शुक्रिया। ये लड़का, ये तो बहुत शैतान लगता है। हमारी लाइब्रेरी में एक लड़का आ गया है, उसे निकालो, वो शेल्फ 5 पर है। शेल्फ 5 पर कौन है? मिसाई मसी, मिल गई। शिनचान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना मैं आपसे मिलने आऊँगा। मैम देखिए वहाँ है। यहाँ आने के लिए मना किया था ना? अरे, मुझे चिंता हो रही थी इसलिए सोचा कि यहाँ पर आके आपसे हाल पूछ लूँ। यहाँ पर सब कुछ ठीक है। मुझे नहीं लगता बेचारी इसे यहाँ से आसानी से भगा पाएगी। चलो, अब जल्दी से घर वापस जाओ। ठीक है, इतनी आसानी से मान गया। पर मुसाई ने ये किया कैसे? मुसाई ने तो पहले दिन में ही कमाल कर दिखाया है ना। याद आया, मैं तो यहाँ भी इसलिए आया था ताकि यहाँ आराम से बैठकर कॉमिक्स पढूं। ये जहाँ जहाँ भी जाता है तुम इसके पीछे पीछे जाओ। मैम आप घबराइए नहीं, मैं इसका पीछा हरगिज नहीं छोड़ूंगी। ये जहाँ जाएगा मैं इसके साथ रहूँगी। रुक जाओ। अरे मुझे माफ करना बेटा, पर ये किताबें मुझे उस तरफ रखनी है। वो भैया आपकी बुक्स लेकर भाग रहे हैं, जल्दी से उन्हें पकड़ लीजिए। कौन से भैया? ये बच्चा कितना शैतान है, इसे संभालना बहुत मुश्किल है। शिनचान अभी तक गए नहीं तुम? यहाँ खड़े होके पढ़ना मना है। लेकिन दीदी मैं तो आराम से बैठकर पढ़ रहा हूँ ना। आप इस बच्चे को परेशान क्यों कर रही हैं? अरे तुम इस बच्चे को जानती हो क्या? बहुत अच्छी तरह, क्योंकि मैं इस बच्चे की मासी हूँ। अरे इसे अचानक क्या हो गया मैम? इतना अच्छा तो काम कर रही थी, पता नहीं क्यों छोड़ दिया। मिसाई मासी आपने ये नौकरी छोड़ क्यों दी बताइए? शिनचान काम वो करना चाहिए जो आपकी पसंद का हो और जिसे आप दिल से करें, और मुझे फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है। तो मतलब अब से आप सिर्फ फोटोग्राफी करेंगी और कुछ भी नहीं करेंगी? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने शिनचान, और अब मैं फोटोग्राफी ही करूँगी। क्या आप मेरी भी अच्छी अच्छी फोटो खींच देंगी मिसाई मासी?